हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन बजाज वेलकमिंग यू टू अभ्यास बाय आर्यस। आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब समझने वाले हैं कि कॉस्ट होती क्या है। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है या कोई बिजनेस रन होता है तो उसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इनकर होते हैं। हमें बिजनेस के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है, उस पर रेंट भी पे करना पड़ता है। देन हमें बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उस पर इंटरेस्ट डालना है। कोई लेबर होती है जो आपके लिए काम कर रही होती है, उनको वेजेस देने पड़ते हैं। तो कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जिनको सैलरीज डालनी है। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर भी होता है जो डिसीजंस लेता है, जिसको कुछ मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए काम करने के लिए। ये सारे एक्सपेंडिचर्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जो हम इनपुट्स पे इनकर करते हैं एक बिजनेस में, उसको कहते हैं कॉस्ट। सो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स जो हम इनपुट्स पे स्पेंड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मिनिमम प्रॉफिट। अब ये मिनिमम प्रॉफिट क्यों? मिनिमम प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो एक एंटरप्रेन्योर को मिलना ही चाहिए, ताकि वो उस बिजनेस में टिका रहे और किसी और चीज पे, किसी और बिजनेस में शिफ्ट। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है भला? ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी बाहर के बंदे से रॉ मटेरियल खरीदा, तो मैंने उसको कॉस्ट पे की, कुछ एक्सपेंडिचर दिया, कुछ खर्चा किया। किसी एम्प्लॉय ने मेरे लिए कुछ काम किया तो मुझे उसको सैलरी देनी है। किसी लेबर ने मुझे कोई अपनी सर्विस दी, मुझे उसको वेजेस देनी है। तो जो बाहर के लोगों ने मुझे सर्विसेज दी, मैंने उनको पे किया, वो है मेरी डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ऑल्सो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक लैंड मैंने रेंट पे लिया, मुझे जो उसको रेंट देना है वो मेरा हुआ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो लैंड है वो किसी और से रेंट पे ना लेके वो आपने अपना यूज किया, तो उस कॉस्ट को आपने किसी और को पे नहीं करना, लेकिन उस पर कुछ तो आपने खर्चा किया है ना, और कुछ तो वो कॉस्ट है, चाहे आपने वो किसी और को नहीं दी, उसको कहते हैं इम्प्यूटेड या इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब भी हम ऐसी सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं जो सर्विसेज ओनर ने खुद दी होती है, जैसे लैंड खुद का था, किसी और को पे नहीं करना है, बट इसकी कुछ तो कॉस्ट है। जब हम ऐसी सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ ओनर। ओनर जब काम करता है तो वो खुद को सैलरी तो नहीं देता या कोई उसे सैलरी नहीं देता, बट जब हम अकाउंट्स में तो इस कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते, जब इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो इस कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। सो हमने दो तरह की कॉस्ट पढ़ी, एक्सप्लिसिट व्हिच वाज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट व्हिच वाज द इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो उन सर्विसेज पे एस्टिमेट होती है जो ओनर खुद प्रोवाइड करता है। अब हम अकाउंट्स में इस तरह की कॉस्ट को, इम्प्लिसिट कॉस्ट को काउंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को काउंट करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को देखा जाता है। और तो और, इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो पार्ट है मिनिमम प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर को मिलना ही चाहिए ताकि वो उस सर्विस में, उस बिजनेस में मेंटेन रहे, वो भी हमारा एक कॉस्ट का पार्ट है। अब कॉस्ट को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, विच इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अभी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कुछ ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन चाहे जीरो हो, चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो, रेंट उतना रहेगा ही रहेगा, इजंट इट? और अगर मैनेजर रखा है, मैनेजर को जो सैलरी देनी है वो भी उतनी देनी ही देनी है। ये कुछ ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो रही, चाहे आप कितना भी आउटपुट करो, चाहे नील करो, चाहे बड़ा हो, चाहे कम करो, ये जो है, ये आपका जो कॉस्ट है ये फिक्स्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी। और अगर आप कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे तब भी आपको रेंट देना ही देना है, तो ये कॉस्ट कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरी कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जो अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा मैं आउटपुट प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ेगी, तो मतलब विद द इंक्रीज इन आउटपुट ये कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती रहती है। कोई भी कॉस्ट सिर्फ फिक्स्ड या सिर्फ वेरिएबल नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सी शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल रहती है। क्यों? बिकॉज जो भी बिजनेस चला रहा है वो एकदम सारी कॉस्ट को चेंज करने का डिसीजन शॉर्ट रन में कम टाइम में नहीं ले सकता, बट लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट
कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल हो सकती है. क्यों हो सकती है? बिकॉज अब जो है, जो ओनर है, जो बिजनेस चला रहा है, उसके पास टाइम है. प्रोड्यूसर के पास इनफ टाइम है लॉन्ग रन में ये सोचने के लिए कि चेंजिंग कॉस्ट से कैसे डील कर सकता है वो. तो वो हर कॉस्ट को चेंज करना अफोर्ड कर सकता है और सोच सकता है उसके बारे में लॉन्ग रन में. तो ये था हमारा कॉस्ट का बेसिक मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट. इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.